यूट्यूबर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन यूट्यूबर आयतन अबू। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू का परोठा। आलू परोठा बनाने के लिए मैंने लिया ये 2 कप गेहूं का आटा, और लिया मैंने 3 बड़ा साइज का आलू पटाटो, ये बॉईल किया हुआ आलू। पहले हम आटा गूंद के लेते, बाद में आलू तैयार कर लेते। अभी मैंने आटा गूंद के लूंगी। आटा में क्या क्या मिक्स करूंगी दिखाऊंगी। अब आटा में 1/2 टीस्पून नमक, सॉल्ट टेस्ट के अनुसार, और ऐड कर दूंगी 2 टेबल स्पून घी ऐड कर दूंगी, और ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून यह अजवाइन। अजवाइन को मैं हाथ में लेके इसी तरह क्रश कर दूंगी। हाथ से क्रश करके देना है ताकि खुशबू अच्छा आ जाए। यह अजवाइन पराठों में अजवाइन बहुत अच्छा लगता है। अब मैं मिला दूंगी। पहले घी, अजवाइन और नमक से आटा को मिलाना होगा, फिर पानी से एक सॉफ्ट डो बना लूंगी। देखिए इस तरह मैंने मिक्स कर लिया सारे। अब मैं पानी देखे सॉफ्ट डो तैयार करके लूंगी। एक साथ में ज्यादा पानी ना दे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं सॉफ्ट डो बना के लूंगी। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट डो बना लिया मैंने। इस तरह सॉफ्ट होना चाहिए। बस बना लिया मैंने सॉफ्ट डो। थोड़ा सा घी लगा लिया ताकि सूप ना जाए ऊपर से। अब मैं ढक के 15 से 20 मिनट के लिए रख दूंगी। आलू परोठा, इसलिए आलू मैंने ये बॉयल आलू लिया, आलू फिलिंग देने के लिए। परोठा के अंदर फिलिंग देने के लिए मैं आलू को मैश करके लूंगी। अभी आलू को अच्छी तरह से मैश करना है। मैंने आलू को अच्छी तरह से मैश कर लिया, ये बॉयल आलू पटाटो। अब बॉयल किया हुआ आलू में मैंने ये मसाला सारे डाल दूंगी। ये है चाट मसाला 1 टेबल स्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून। यह है धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून। यह है गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। यह है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। पहले आलू को अंदर डाल दूंगी 1/2 टीस्पून नमक, सॉल्ट। अब ये सारे मसाला डाल दूंगी। उसके बाद ऐड कर दूंगी, मैंने लिया 1 प्याज ऑनियन फ्राई करके लिया मैंने इसे, फ्राइड ऑनियन मतलब प्याज, 1 प्याज को मैंने इसे फ्राई करके लिया। और लिया 1 टीस्पून अदरक, ऐसे बारीक, बहुत बारीक बारीक काटा, और 1 टीस्पून ये गार्लिक, लहसुन, अदरक और लहसुन 2 टेबल स्पून। ये है ग्रीन चिली मिर्चा, हरा मिर्चा। ये हरा मिर्चा बिल्कुल तीखा वाला नहीं, इसलिए मैंने ज्यादा मिर्चा लिया। और मैंने ये 1/2 कप फ्रेश धनिया का पत्ता, ये है धनिया पत्ता कोरिएंडर लीव्स। मैं अभी एक एक करके सारे मिला दूंगी आलू में। पहले दिया मैंने ग्रीन चिली, हरा मिर्ची। अब डाल दूंगी मैं ये लहसुन, 1 टीस्पून लहसुन, 1 टीस्पून अदरक। अब ये फ्राइड प्याज। अब डाल दूंगी ये है धनिया का पत्ता। अब मैं सारे चीजों को एक साथ मिला दूंगी अच्छी से, बिल्कुल अच्छी तरह मिलाना होगा। देखिए बहुत मसालेदार पराठा होगा। बस रेडी कर लिया मैंने ये आलू का फिलिंग।
अब मैं कैसे पराठा बनाऊंगी देख लीजिए। अब 20 मिनट बाद देखिए आटा। अब आटा को छोटा छोटा पीसेस कर ले, जैसे परोठा बनता है इस तरह। मैं सारे आटा को ऐसे छोटा छोटा लोई कर लिया, लोई बना लिया। अब मैं एक छोटा लोई ऐसे ले लिया, देखिए इतना, इस तरह करे। थोड़ा सूखा आटा देखिए, इसको बेलना है ताकि चिपक ना जाए। बस अब मैं इसका अंदर फिलिंग भर लूंगी, जितना आटा लिया मैंने उतना ही मैंने आलू लिया, देखिए बहुत ज्यादा आलू, ताकि परोठा बहुत टेस्टी बने। अब मैं देखिए किस तरह करूं। इस तरह करके इसको मोड़ा देना है। अब पहले हाथ से प्रेस करें ऐसे ऐसे, ताकि अंदर का फिलिंग अच्छी से सारे जगह में फैल जाए। देखिए कितना अच्छा से सारे फिलिंग छोड़ गया। अब मैं बेल लूंगी, सूखा आटा देखिए मैं बेल लूंगी। धीरे धीरे साइड से बेलना है। ऐसे मैं सूखा आटा से अच्छा से बेल लूंगी। देखिए बहुत अच्छा मैंने परोठा बेल लिया। अब मैंने चूल्हा ऑन करके एक तवा बैठा दिया, तवा गर्म हो जाए। देखिए तवा गर्म हो गया। अब मैं जो परोठा बना लिया वो मैं दूंगी। एक साइड में हो जाए थोड़ा, फिर मैं पलट दूंगी। अब मैं पलट दूंगी, देखिए थोड़ा फ्राई हो गया। अब मैं ऊपर मैंने पलट दिया, इस साइड में एक चम्मच मैंने घी दे दिया, इसे ऊपर घी दिया मैंने। अब मैं इसको पलट दूंगी। फिर इस साइड में मैंने एक चम्मच घी दे दिया, और थोड़ा दे घी। इसे दबा के सेकना है ताकि अंदर से अच्छे से पक जाए। देखिए बढ़िया कलर आने लगा। मैं इसे प्रेस कर दूंगी ताकि अच्छे से अंदर का फिलिंग पक जाए। देखिए बिल्कुल हो गया। अब मैं उठा लूंगी, देखिए कितना बढ़िया आलू परोठा रेडी हो गया। एक अब मैं दूसरा बेल के दिखाऊंगी। अब मैं दूसरा बेल के दिखाऊंगी, थोड़ा सूखा आटा लेके।
अब मैं इसका अंदर फिलिंग भरूंगी। देखिए देखिए मैंने जितना डो लिया उतना ही आलू। ऐसे करके इसको मुड़ा दूंगी अंदर। बस अब इसको रख के थोड़ा हाथ से इसे प्रेस करें। बस बेल लिया। चलो अब मैं ताव में दूंगी। पहले एक साइड हो जाए फिर दूसरा साइड पलट दूंगी। रेडी हो गया दूसरा पराठा। इसी तरह मैंने सारे पराठा फ्राई कर लिया, सारे सारे पराठा सेक लिया। देखिए बहुत ही टेस्टी बहुत बढ़िया पराठा बन के रेडी हो गया। अब मैं सर्व करके दिखाऊंगी। देखिए परफेक्ट पराठा बन के रेडी हो गया। अब मैं सर्व कर दिया। देखिए कितना बढ़िया पराठा बन गया। मैं एक तोड़ के दिखाऊंगी। देखिए अंदर का जो फिलिंग, देखिए कितना परफेक्ट पराठा बन गया। आप जरूर घर में ट्राई कीजिए इसी तरह पराठा बनाने में। व्यूअर्स ये आलू पराठा कैसी हुआ प्लीज कमेंट करके मुझे बता दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपके पास। बाय फ्रेंड्स।